श्रीकृष्णकनहलकी श्रीनिजानन्दस्वामी की श्रीप्राणनाथ प्ये की औरत बेतवार श्री कृष्ण कन्हैया लाल की हास्य के अपराध का प्रसंग है अपने स्वामी बुलाए और प्रियतमा अपने स्वामी के बुलावा को उसके उनके आह्वान को नज़रअंदाज करे और जाए नहीं तो अविश्वासिनी इतवार का तात्पर्य अविश्वासिनी इतवार विश्वास इसका क्या इतवार है बोल देंगे ना तो इसका क्या विश्वास है तो ऐसा तो ऐसे अविश्वासिनी होती है बड़ी सरल चौपाइया है गुज मासुक का का सो कहे न नकाशो को मासुक के गुप्त रहस्य को कहने तो का तात्पर्य अनुरागिणी आत्मा अपने प्रियतम धनी की गूढ़ बातों को अंतरंग बातों को सो कहे न का वो, वो किसी से कह नहीं सकते तो उन वो बात किसी से कहा उन कहना नहीं होता है जो कई पढ़े का साले तो बाहर माहें रोए करोड़ों का साले कष्ट क्यों न पड़े तो वो बाहर से या अंदर से रोएंगे लेकिन बताएंगे नहीं एक तो गुज़े जाहिर किया और गैया न बुलावते सोए तो एक तो अनुरागणी आत्मा ने अपने प्रियतम की गुड़ बातों को दूसरों को बता दिया दूसरा उनके बुलाने पर उनके पास नहीं गई ऐसी न ऐसी एक भी कोई ना करे जो आप न करी दोए तो दुनिया में भी ऐसा कार्य है तो एक भी कोई नहीं करते हमने तो दो दो कर दी एक तो उनकी गुड़ बातें बता दी और दूसरी उनके बुलाने पर नहीं गई रूहों को ऐसी न चाहिए के की हम हाँ ब्रह्मात्माओं को ऐसा नहीं करना चाहिए हम तो परम धाम के कहलाते हैं शहुर करके देखिया तो हम किया बड़ा जुल्म जब विचार करके देखा तो हमें ज्ञात हुआ कि हमने बहुत बड़ा अपराध किया है हम कहे झूठी दुनिया तिन में ऐसी करे न कोई हम जिस दुनिया को झूठी कहते हैं उनमें भी लोग ऐसा काम नहीं करते हैं जो उलटी हम साँचों से भई ऐसी झूठों से ना होए जो उल्टी मतलब उल्टा कार्य लटी या उल्टी तो हम साँचों से भई हम स्वयं को सच्चा कहते हैं उनसे जो भूल हुई है ऐसा झूठे लोग भी नहीं करते हैं मैं देख तकसीर अपनी पहले देख डरी एक बार मैंने अपने तकसीर तकसीर भूल को भी कह सकते हैं दुख को भी कह सकते हैं मैंने अपने भूल को यहाँ भूल समझना चाहिए मैंने अपने भूल को देख करके के तो पहले तो मैं डर गई जब जैसे ही मैंने अपनी भूल देखी तो ये देख करके के मैं डर गई देख डरी शामी सामी रहा तब मैं कि आप पुकार जब जब डर करके इधर उधर देखने लगी तो धामधनी साम, सामने सामने दिखाई दिए तो मैंने उनसे पुकार की ऐसा कर रहे मैं देखे गुनाह अपने हक के देखे एहसान मैंने अपने भूलों को देखा और धाम धनी के एहसान का तात्पर्य उपकार उनके उपकार को देखा एक और अपने भूलों को और भूल होते हुए भी धनी ने उपकार किया उसको देखा उमर गई पुकारते बीच हलाके जहान ये सब पुकार करते हुए समय चली गई चला गया बिच हालांकि जहान का तर जहान तो ये दुनिया हालाँकि और झूठ ना रहने वाली तो इस झूठी दुनिया में पुकार पुकार करके मेरी आयु बीत गई किंतु मैं उसमें कभी भी अपने भूलों से दूर नहीं हो पाई कबों किनऊ ना किए ऐसे काम अधम किसी ने भी कभी भी ऐसे आधम काम नहीं किए देख गुनाह अपने फिर किए जुलम तो अपने गुनाह अपने भूल को देख करके फिर और भी भूल करते जाए ऐसा कोई नहीं करता है जब देख देख लेता है समझ लेता है मैं गलती कर रहा हूं तो तुरंत तो समझ जाता है तो हमने तो वो भी नहीं किया ये कहना चाह रहे हैं सियानी जोरू क्यों करे जाने के गुनाह है सियानी जोरू मतलब समझदार स्त्री ये सब कुछ जान करके ऐसा काम क्यों करेगी खाबंद जाने क्यों करे हुआ बस हुकुम के खाबंद जाने त्यों करे वो तो अपने धनी अपने स्वामी जो चाहे उस प्रकार से करेगी उनके इच्छा के अनु अनुकूल अनु, अनु और हुआ बस हुक्म के वो तो सब हुक्म के बस आ, रहेगी और दूसरे शब्दों में कहें तो ये सब कुछ हुआ है तो, तो ये राज्य के हुकुम के कारण हुआ है उसने हमारी मति भ्रष्ट कर दी जिसके हिसाब से हम कुछ समझ ही नहीं पाए जो फिर देखे आपना तो ए हुई हाथ धनी जब फिर फिर फेर का मतलब जब अपने ओर देखने लगे पुनः अपने ओर देखते हैं तो ए हुई हाथ धनी ये सब धाम धनी के हाथों में है और किसी का ना चले जो कोई कह रहे श्यानप घनी कोई कितनी चतुराई क्यों ना करे श्यानप का तात्पर्य चतुराई कोई अपने चतुराई कितनी ही क्यों ना करे किंतु और किसी का ना चले धामधनी के हुक्म के अतिरिक्त तो दूसरा कुछ चलने वाला नहीं है मैं देखा इल्म हक का तो ये सब हुक्म के ख्याल जब मैंने हक का इलम पूर्ण ब्रह्म का दिया हुआ ज्ञान यतारतम ज्ञान को देखा समझने का प्रयत्न किया तो ये सब हुक्म के ख्याल तब पता चला कि ये सब जो कुछ भी हुआ है हमसे भूल हुई है तो ये भी राज्य के हुक्म के हिसाब से तो हमें अपने किए हुए में से पश्चाताप करने का मौका मिले और हम वैसे तो ये सब हुक्म नहीं हमारा नाम लेकर के हमारा रूप धारण किया है तो उसने ये सब कुछ किया जब मैंने समझा तो मुझे पता चला और ना कोई कहो बिना हुकुम नूर जमाल तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आदेश के बिना तो दूसरा कुछ संभव ही नहीं है ऐसा कार्य कोई कर ही नहीं सकता है ये भी कहना चाह रहे हैं एक गुनाह देखे अपने जब देखिया दिलधर तो अपने गुनाहों को देख करके के जब ये ऐसे क्यों हुए तो इनको ध्यान से देखा तो ये भी गुनाह खुद तो मुझे लगा कि ये अपराध भी का आहंका, अहंकार का ही है जब फिर देखा शहूर कर जब मैंने विचार करके देखा तो पता चला कि ये भी अहंकार के कारण ही ऐसा हुआ है गुने भी अपने तब देखे जब मैं हुई होशियार गुनाह भी अपने भूल भी अपने अपराध अपनी भूल भी तब दिखाई दी जब मुझे थोड़ी समझ आई होशियार हुई देखी होशियारी ए भी खुदी डरी हुई खबरदार तो जब देखी होशियारी जब मैंने अपने चतुराई को देखी तो क्या पता चला ए भी खुदी ये भी अहंकार के कारण हो रहा है तो डरी हुई खबरदार तो मैं डर करके सचेत हो गई खबरदार मतलब सचेत सावचेत सावधान गुने किए अजान में गुने देखे सो भी अजान अपराध भी अनजाने में किए अज्ञानता में और उनको देखा वो भी अज्ञानता में दम नाले बीच हुकुमे जब हके पूरी दई पहचान जब हक़े पूरी दही पहचान जब धामधनी ने पूरी पहचान दी है अब तो दबन बीच हुकुमे उस राज्य के आदेश के बिना तो कोई दम भी नहीं ले सकता सांस भी नहीं ले सकता है तो ये तो सब कुछ सर्वत्र हुकुमी ही है वो हुकुम से ही आ, उनके वसीबत होकर के ही कुछ न कुछ गड़बड़ियाँ हो रही है पहचान लई सोभी खुदी मैं न्यारी हुई तीन से तो पहचान लई मैंने पहचान लिया समझ लिया ये कहें तो वहाँ भी अहंकार झलकता है मैं न्यारी हुई तीन से तो मैं तो इन सब से अलग हूँ ऐसा कहूँ तो वहाँ भी अहंकारी होता है न्यारी हो तो शोभी खुदी ये खुदी निकलता ना ही मैं तो मैं अलग हूँ ये कहना ये भी एक प्रकार से अहंकारी है इसलिए एक खुदी ना नहीं मैं ये मैं खुदी ये निकलने वाली नहीं है ये अहंकार इस प्रकार से घर करके बैठेगी महामत कहे आए है मोमिनो कोई नहीं हक कभी कर महामती कहते हैं ब्रह्मात्माओं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के बिना तो कुछ है ही नहीं किसी का अस्तित्व ही तो नहीं है लाख अबेर मैं देखिया फिर फिर शौर कर मैंने लाखों बार प्रयत्न किया किन्तु तो विचार करके देखा तो मुझे तो ये पता चल गया कि सर्वत्र राज्य का हुकुम ही काम कर रहा है ऐसा कहना चाह रहे हैं धामधनी के बिना तो कुछ है ही नहीं तो वो हैं और उनका हुक्म है इस प्रकार से पता चला ऐसा कहना चाह रहे श्री कृष्ण कहना की